हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुसरे आपका अपना चैनल दर्शन पॉलिसी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज की तारीख 81 सितंबर, जानते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। कल का सवाल था, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय रोगानुरोधी प्रतिरोध हब कहाँ स्थापित किया गया। रोगानुरोधी प्रतिरोध हब मतलब नेशनल जर्म फ्री रेजिस्टेंस हब कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है दोस्तों, आपको ये चीज़ याद रखना है। और वो किस नदी पर स्थित है, सबसे पहले ये सवाल आता है कि कोलकाता किस नदी पर स्थित है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। जब कोलकाता के बारे में बात आ गई तो वहाँ के सीएम के बारे में थोड़ा जानते थे, वहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी है जो तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष है, और वहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। उसी तरह से हरियाली को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना कोलकाता सरकार ने बनाई है, सॉरी पश्चिम बंगाल सरकार ने बनाई है, जिसका नाम है सेव ग्रीन स्टे क्लीन। और उसी हिसाब से अभी हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के नए न्यायाधीश नियुक्त हुए, जिनका नाम है टीबी राधाकृष्णन। इतने फैक्ट्स आपको कोलकाता से याद रखना है। साथ ही साथ अभी हाल ही में ओडिशा की एक मिठाई रसगोला, रसगोला को जीआई टैग दिया गया है, और कोलकाता की जो मिठाई है उसका नाम है रसगुल्ला, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो पहला राष्ट्रीय रोगानुरोधी प्रतिरोध हब कोलकाता में स्थापित किया गया है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस देश के पीएम को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया। तो हाल ही में बांग्लादेश के पीएम को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। तो जब बांग्लादेश की बात आ गई है तो बांग्लादेश की पीएम का नाम है शेख हसीना। शेख हसीना जी लगातार 3 बार और कुल मिलाकर 4 बार बांग्लादेश की पीएम बनी है, और अभी हाल ही में भी है। और बांग्लादेश के बारे में जब बात आ गई तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, वहाँ की करेंसी है टका, और वहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। साथ ही साथ बांग्लादेश और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति, संप्रति। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, डॉक्टर कलाम पुरस्कार उन व्यक्तियों को या राजनेता को दिया जाता है जिन्होंने अपने देश को सर्वश्रेष्ठ दिशा प्रदान की है। जैसे हम डॉक्टर कलाम के बारे में जाने तो डॉक्टर कलाम मिसाइल मैन, जिनकी एक बहुत ही सुंदर किताब है जिसका नाम है अग्नि की उड़ान, हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और हमेशा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अगर किसी ने फुल नेम पूछ लिया तो उनका फुल नेम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इतने फैक्ट्स आपको इस चीज़ से याद रखना है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कोदेला शिव प्रसाद राव का निधन हो गया है। तो आंध्र प्रदेश के विधायक थे, विधानसभा अध्यक्ष थे कोदेला शिव प्रसाद, ये आंध्र प्रदेश के 6 बार विधायक बन चुके हैं, आपको ये चीज़ याद रखना है। और जब बात आंध्र प्रदेश की आई हो तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। उसी हिसाब से आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है जगन मोहन रेड्डी और वहाँ के गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त है जस्टिस पी लक्ष्मण रेड्डी। और यहाँ भारत का 25वां उच्च न्यायालय अभी बनाया गया है, और साथ ही साथ भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क आंध्र प्रदेश में खोला गया है। तो आपको इतने फैक्ट्स इस क्वेश्चन से याद रखना है। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कोदेला शिव प्रसाद जी का हाल ही में निधन हो गया, वो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में किसे गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आप जानते हैं अच्छे दिन आने वाले, जिन्होंने हमको बोला था, हमारे प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी, इन्हें हाल ही में गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो सम्मानित किसने किया गोलकीपर अवार्ड से, तो ये बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन के तरफ से इन्हें सम्मानित किया गया है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स, बिल गेट्स और उनकी धर्मपत्नी मिलिंडा गेट्स, इनका ये फाउंडेशन है जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी। साथ ही साथ इसके फाउंडर में अभी आपको बता चुका हूँ बिल एंड मिलिंडा गेट्स, इसका हेडक्वार्टर है सेटलेट वॉशिंगटन में, और स्वच्छ भारत अभियान के लिए नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया है। और साथ ही साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, जब ये सवाल पूछा गया जाएगा तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से, 2 अक्टूबर 2014
14 से। और साथ ही साथ अभी जो अभी बजट पेश किया है हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, तो निर्मला सीतारमण जी कर्नाटक के बैंगलोर से राज्यसभा सांसद है, ये चीज़ आपको याद रखना है, जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो अभी बजट पेश किया है, तो स्वच्छ भारत का नाम बदल कर उन्होंने रखा है सुंदर भारत, और साथ ही साथ और एक नाम उन्होंने बदला हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाम उन्होंने बदल के रख दिया है बदलाव, BDLAV, बदलाव, जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है बेटी आपकी धनलक्ष्मी और विजयलक्ष्मी। तो इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। और हाल ही में गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट के क्वेश्चन है और वो आना ही आना है, तो आपको प्लीज़ यहाँ से पूरा वीडियो अंत तक देखना है, और जितने भी यहाँ पे फोटोज आएंगी तो उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। तो हाल ही में वर्ष 2019 में द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार कुल 6 लोगों को दिया गया है, और ये 6 लोग कौन है? तो मैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में सबसे पहले आपको बता दूँ, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में, और इस पुरस्कार के तहत द्रोणाचार्य की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र साथ ही 5 लाख रुपये की राशि प्रशिक्षकों को दी जाती है, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो खिलाड़ियों को पढ़ाते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। तो वर्ष 2019 में ये पुरस्कार 6 लोगों को दिया गया था, और 1985 में ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया था, जिनका नाम है बालचंद्र भास्कर भागवत कुश्ती के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग के लिए, और OM नाबीर एथलेटिक्स के लिए। ये दो 1985 में इन 3 लोगों को दिया गया था, और अभी दिया गया है ये 6 लोगों को। उन 6 लोगों के नाम है मर्जवान पटेल हॉकी के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, रामवीर सिंह खोखर कबड्डी के लिए लाइफ टाइम, संजय भारद्वाज क्रिकेट के लिए लाइफ टाइम, विमल कुमार बैडमिंटन में, संदीप गुप्ता टेबल टेनिस में, और मोहिंदर सिंह ढिल्लन एथलेटिक्स में। ऐसे 6 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार हाल ही में इस वर्ष दिया गया है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019 में हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो अर्जुन पुरस्कार हाल ही में दिया गया है 19 खिलाड़ियों को। जब बात अर्जुन पुरस्कार की आ गई है दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, और शुरू में अर्जुन पुरस्कार 7 लोगों को दिया गया था, जिसमें से एक क्रिकेटर को दिया गया था, जिनका नाम था सलीम दुर्रानी जी को दिया गया था। शुरू के 7 लोगों में एक क्रिकेटर थे सलीम दुर्रानी। और इस साल जो 19 लोगों को दिया गया है उनकी लिस्ट ये रही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तेंजिंग पाल एथलेटिक्स, मोहिंदर अनस एथलेटिक्स, स्वप्ना वर्मन एथलेटिक्स, भास्कर बॉडी बिल्डिंग, सोनिया लाठेर मुक्केबाजी, रविंद्र जडेजा क्रिकेटर। क्रिकेटर किसको मिला है? रविंद्र जडेजा को और पूनम यादव, ये 2 क्रिकेटर लोगों को मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार। चिंगल सिंह कागुजा हॉकी के लिए, अजय ठाकुर कबड्डी, गुरप्रीत सिंह संधू फुटबॉल, और बच्चे आपके सामने है दोस्तों, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा लर्न कर लीजिए। और साथ ही साथ ये भी पूछ सकते हैं कि इस साल अर्जुन पुरस्कार किन क्रिकेटरों को मिला है? तो रविंद्र जडेजा और पूनम यादव को। तो मैं आपको अर्जुन पुरस्कार के बारे में बता दूं, अर्जुन पुरस्कार में 2019 में 5 महिलाएं शामिल है, साथ ही साथ 19 खिलाड़ियों को दिया गया, और अर्जुन पुरस्कार के तहत 5 लाख राशि प्रशस्ति पत्र और अर्जुन की प्रतिमा साथ में प्रदान की जाती है। इतने फैक्ट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019 में हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को कितने लोगों को दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2019 में दिया गया है 2 लोगों को। जब बात राजीव गांधी खेल रत्न की आ रही हो और 2019 की बात आ रही है, 2019 का मिला है बजरंग पुनिया कुश्ती के लिए और दीपा मलिक पैरा एथलेटिक के लिए। तो राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में बता दूं, तो राजीव गांधी खेल रत्न की स्थापना हुई थी 1991 में, और ये पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला गया था 1992 में विश्वनाथन आनंद को शतरंज में, और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन एक्सेप्शनल बन जाता है कि किस किस पुरस्कार के तहत 5 लाख की राशि नहीं दी जाती है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 5 लाख की राशि नहीं दी जाती, वहाँ 7.5 लाख रुपये की राशि दी जाती है। और 1992 से लेकर 2019 तक के जितने भी लोगों को अभी तक
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, उनकी एक फोटो कॉपी मेरे पास है, तो प्लीज़ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने गैलरी में सेव करके पढ़ते रहिएगा। तो ये वो लोग हैं, 2019 का देख लीजिए, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को मिला, और पहला 1992 में मिला है विश्वनाथन आनंद को, और बाकी आपके सामने है, आप ध्यान में रख लीजिए। दोस्तों बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वर्ष 2019 में हाल ही में ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो वर्ष 2019 के लिए ध्यानचंद पुरस्कार कुल मिलाकर 5 लोगों को दिया गया है, आपको इतना याद रखना है। ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में जब बात आ गई है, तो ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना हुई थी 2002 में, इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों को प्रदान की जाती है, और ध्यानचंद पुरस्कार जो 2002 में मिला था पहली बार, वो मिला था अपर्णा घोष को, और इस साल 5 खिलाड़ियों को मिला है जिनके नाम इस तरीके से है। मनोज कुमार को कुश्ती में मिला है, नितिन कीर्तन को टेनिस में, सी लाल रेम सांगा को तीरंदाजी में, मैकुनल फेडरिक को हॉकी में, और अरुण बसाक को टेबल टेनिस में। ये चीज़ आपको याद रखना है, और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, आज का सवाल आ गया दोस्तों ये आप लोगों के लिए, हाल ही में वर्ष 2019 में रेमन मैक्सेस पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया? तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब किए, बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचाइए। दोस्तों अभी हाल ही में आर्मी भर्ती, पुलिस भर्ती, रेलवे की NTPC ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, तो मैं चाहता हूँ किसी के करंट का एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों मैं हमारे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि दोस्तों।